और जगन्नाथ भगवान के मंदिर के बहुत बहुत आश्चर्य हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि समुद्र की आवाज मंदिर के भीतर नहीं आती है। सुभद्रा जी ने जगन्नाथ भगवान से शिकायत करी थी कि समुद्र की आवाज आती है, हम सो नहीं पाती हैं। भगवान ने कहा ठीक है, कभी कभी समुद्र का जल आ जाता था मंदिर के पास, तो बेड़ी हनुमान जी को लिटा दिया समुद्र के किनारे की जल भी नहीं आने पावे, और कनखटा हनुमान जी जगन्नाथ भगवान के द्वार पर विराजमान है तो कान में सबरी आवाज सोख लेते हैं, भीतर आवाज नहीं आ पाती। दूसरा, कभी भी कोई भी पंछी मंदिर को लांघ करके नहीं निकलता, ये प्रत्यक्ष चमत्कार है। सोचिए पंछियों को किसने कह दिया है कि तुम मंदिर के ऊपर मत जाना, कभी भी कोई भी पंछी मंदिर को नहीं लांघता। आस पास होंगे पर किसी भी प्रकार कभी कोई पंछी मंदिर को लांघ कर नहीं जाएगा। तीसरी बात कि जगन्नाथ भगवान की ध्वजा विपरीत दिशा में उड़ती है। चौथी बात कि जगन्नाथ भगवान के शिखर पर जो नील चक्र है उसकी कभी भी छाया नहीं पड़ती है, कभी भी छाया नहीं देखी जाती है नील चक्र की, और वो नील चक्र सदा एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। और जगन्नाथ भगवान की रसोई शायद विश्व में इतनी बड़ी रसोई कहीं नहीं होगी, बहुत बड़ी रसोई। रसोई देखने का टिकट लगता है, भीतर तो कोई जा नहीं सकता, छोटी छोटी जाली बनी है उसमें से दर्शन किया जाता है भोग बनते हुए। ये आश्चर्य है, लकड़ी पर ही रसोई बनती है और मिट्टी के पात्र चढ़े होते हैं, नौ नौ हांडी, और रसोई बनती है। और जहां रसोई बनती है वहां नीचे श्री यंत्र बना होता है, उसका भाव होता है कि लक्ष्मी जी जगन्नाथ भगवान के लिए रंधन कर रही हैं। और आश्चर्य यह है कि प्रतिदिन 52 मन भात जगन्नाथ भगवान की रसोई में सिद्ध होता है, और साग सब्जी कितनी अमनिया होती है उसका तो कोई लेखा जोखा ही नहीं है। कम से कम 700 रसोई बनाने वाले सेवक हर समय ठाकुर जी की रसोई ही बनाते हैं। दिन में 35 से 36 बार भोग लगता है ठाकुर जी, वहां ठाकुर जी भोजन करने के लिए विराजमान है। जैसे बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, द्वारिका नाथ में राज करते हैं, जगन्नाथ भगवान में भोजन करते हैं और श्री वृंदावन में विहार करते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान भोजन करने के लिए विराजमान है, और सबसे ऊपर वाली हांडी के चावल सबसे पहले सिद्ध हो जाते हैं, नीचे वाली के सबसे पीछे होते हैं। और गोला की चटनी बननी है, गोला मनिया करने के लिए बैठे हैं तो पता चला कि 25 सेवकों पर तो एक ही सेवा है कि गोला मनिया करे जाओ, इसे जाओ। कोई सब्जी मनिया कर रहे हैं, जगन्नाथ भगवान को परवल बड़ी भाती है, केला की सब्जी बड़ी भाती है, परवल के पहाड़ मनिया हो रहे हैं, केला मनिया हो रहे हैं। और कितनी वस्तु ऐसी जो रसोई में आती नहीं, गेहूं तक रसोई में नहीं आता, सब कुछ चावल के आटे से ही बनता है। और सब्जी में तो कितना आलू तक नहीं आता कि आलू विदेशी सब्जी है, और की तो चलती क्या है। बहुत बड़ी रसोई सबसे पहले, और एक बार जिस बर्तन में रसोई बन जाती है वो फिर बर्तन भीतर नहीं आता। और फिर ठाकुर जी को सब भोग अर्पण होता है, सवेरे से पूरी अलग अलग विधि है। और ठाकुर जी को जब भोग अर्पण होता है तब उस समय आचमन कराते हुए आचमन के जल में ठाकुर जी का प्रतिबिंब आता है। आज तक ये लीलाएं प्रत्यक्ष होती हैं, यदि किसी दिन जल के भीतर प्रतिबिंब नहीं आवे तो माने ठाकुर जी ने भोग नहीं आरोगा, तब दोबारा रसोई बनती है कि प्रतिबिंब नहीं आए। आचमन कराते में ठाकुर जी का प्रतिबिंब आता है। सवेरे ठाकुर जी दातुन करते हैं, प्रकट में तो एक ही दिन स्नान होता है, श्री स्नान पूर्णिमा को, जेठ की पूर्णिमा को एक ही दिन ठाकुर जी स्नान वेदी पर आते हैं और 1000 कलशाओं से स्नान होता है। और प्रतिदिन जगन्नाथ भगवान के मंदिर में बड़े बड़े चांदी से मढ़े हुए दर्पण हैं, तो वो ठाकुर जी के आगे विराजमान हो जाता है और फिर प्रतिबिंब के ऊपर प्रतिदिन स्नान होता है, दातुन होती हैं। और एक सबसे सुंदर बात है कि भले असंख्य भोग पूरे दिन बनते हैं जिनकी सूची नहीं लिखी जा सकती,
लेकिन सबसे पहले सवेरे कर्मा बाई की खिचड़ी का भोग लगता है। अगर कर्मा की खिचड़ी न भोग लगाई जाए तो ठाकुर जी पूरे दिन कुछ न खावे, इतना प्रेम है। तो कर्मा बाई रहती थी जगन्नाथपुरी में, पर ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य रखती थी और उनका इतना वात्सल्य पुष्ट था कि वह भावना यही करती थी कि कभी ठाकुर जी हमारे घर आकर के आरोगन। अब जगन्नाथ भगवान में तो रसोई बनने का विधान ही बहुत है, वहां तो बनते बनते रसोई 11-12 बज जाते हैं। अब ठाकुर जी की मंगला समय पे हो जाती है, अब ठाकुर जी को भोग लगती है। इधर ये कर्मा बाई खिचड़ी बनाया करती सवेरे सवेरे और मानसिक रूप में ठाकुर जी को भोग धरती। अब ठाकुर जी भी खिचड़ी की महक सूंघ सूंघ के इतने व्याकुल हो गए कि अब सवेरे सवेरे मंदिर से दोनों भैया भागे हमें, जगन्नाथ जी और बलराम जी, पर कर्मा बाई के दरवाजे पर खड़े होकर के। ये कर्मा बाई जी का नाम नहीं है, कर्मा बाई नाम क्या था तो कोई जान नहीं पाया। ठाकुर जी कहते जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, वो कर्मा जल्दी कर्मा कहते कहते उनका नाम ही कर्मा बाई हो गया। और तब तक ठाकुर जी तो सवेरे सवेरे आ जाते 5-6-7 बजे, अब तब तक वो ठीक से नहा भी नहीं पाती, शौचाचार भी नहीं कर पाती और उठती फटाफट बस भगोना में धरे और सब बनाए करे और ठाकुर जी को अरोगा दिया। और सवेरे सवेरे ठाकुर जी खिचड़ी खा के चक और फिर अपना मंदिर में विराजमान हो जाए, फिर पंडा भोग लगाते रहे दिन भर। और कर्मा बाई ठाकुर जी की सेवा के साथ में संत सेवा भी करती। एक दिन एक संत आ गए, कर्मा बाई जी ने प्रेम पूर्वक रखा। अब वे सवेरे सवेरे महात्मा उठ गए और देखे वे तो स्नान करने को जा रहे थे महात्मा, और ये मैया तो न नहाना न धोना और रसोई में घुस करके तो खिचड़ी की तैयारी कर रही थी। हमारे आपके लिए बात नहीं है, हमको तो शौचाचार का पूरा विचार करना चाहिए, ये कर्मा बाई जी जैसों की बात है। अब वो सवेरे सवेरे रसोई की तैयारी करने, उन महात्मा ने कहा ये क्या कर रही हो कर्मा? बोले महाराज ठाकुर जी आते हैं सवेरे तो खिचड़ी बना रही है, तो खिचड़ी तुम तो नहाई भी नहीं। बोले नहाने जाती हूँ तो देर हो जाती है, फिर जगन्नाथ भगवान आकर के बिगड़ते हैं, उनको भूख लगती है। बोले अरे राम तो बिन नहाए रसोई बना लेती हो? अरे सेवा में बहुत पवित्रता होनी चाहिए, पहले स्नान करो और स्नान करके फिर जितने बर्तन हैं उन्हें अच्छे से रज से रगड़ रगड़ के मांजा करो और उसके पश्चात फिर जितना चौका है एक एक हाथ उसमें गोबर का पोता लगाए करो और फिर जितनी लकड़ी ईंधन में लगाती हो चूल्हा में वो धुली होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, कहीं कोई कीट हो। और ये जो दाल चावल जिसकी रसोई बनाती हो इतनी बेर चावल धुलने चाहिए, इतनी बेर दाल धुलनी चाहिए और ऐसी रसोई बननी चाहिए, मुंह पे कपड़ा बांध लो, सिर पे कपड़ा बांध लो और तब इतनी पवित्रता से, नहीं तो अपराध लगेगा तुम्हें। अब उन महात्मा ने डांट लगा दी उनको और कर्मा बाई जी सोची अरे हमसे तो बहुत गलती हो रही थी। अब वे महात्मा तो चले गए और इधर कर्मा बाई ने अब नहाना धोना शुरू किया। वो नहा धो करके आई, फिर सबरे घर में उन्होंने गोबर का पोता और बर्तन मांज और लकड़ी धो, इतने में ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी कहे जल्दी कर्मा, मैया कहे भी डटे रहो, पहले नहाए आऊं एक बार, क्योंकि एक बार पहले नहाए फिर गोबर का पोता लगा के नहाई फिर लकड़ी धो के नहाई, अभी खिचड़ी नहीं बनी के भी बर्तन मज रहे हैं अभी डट जाओ, अभी खिचड़ी नहीं बनी के भी चावल साफ हो रहे हैं डट जाओ, अभी खिचड़ी नहीं बनी के भी दाल साफ हो रही। करते करते तो 11 बज गए और ठाकुर जी दरवाजे पे खड़े भूख के मारे दोनों भैया व्याकुल। अब जैसे तैसे खिचड़ी बनी और गरम गरम अर्पण करी, वो कुछ पाई नहीं पाई, इतने मंदिर में घंटा बज गया, भगवान तो भागे। तो जितनी देर कर्मा के खड़े रहे उतनी देर कर्मा बाई को भी देखते जाओ, कैड़ी कैड़ी निगाह से वो बाबा जो आए थे उनको भी देखते जाओ। और अब ठाकुर जी पानी पाए फिर मंदिर चले गए। अब अगले दिन फिर वही होना था पर अब ठाकुर जी नहीं रहा, बोले तो बाबा हमारा सबरा काम बिगड़वा देगा। तब ठाकुर जी ने रात्रि में उस बाबा को स्वप्न दिया और बाबा को बड़ी फटकार लगी।